सो मैंने स्टार्टिंग कर दी है सॉलिड वर्क की, ठीक है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके सर्च ऑप्शन है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द ऑप्शन ऑफ योर न्यू, ठीक है, इन केस यू वांट टू ओपन द न्यू फाइल, और यू हैव द ऑप्शन ऑफ फाइल व्यू टूल्स हेल्प, ठीक है। तो इन केस यू वांट टू ओपन द प्रीवियस फाइल, यू कैन ओपन द प्रीवियस फाइल फ्रॉम फाइल मेनू, ठीक है। इन केस यू वांट टू ओपन द न्यू फाइल, ठीक है, फ्रेश फाइल ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। इन केस एग्जिट करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर से बाहर आना चाहते हो, यू कैन प्रेस एग्जिट, ठीक है। यह है द व्यू ऑप्शन कि व्यू में आपको क्या क्या शो करना चाहिए। यह है द टूल बार ऑप्शन, ठीक है, आपके पास टूल बार ऑप्शन है। टूल बार में ये वेरियस टूल्स दे रखे हैं, ठीक है। यह फुल स्क्रीन टूल बार, ठीक है, टास्क पेन है, मोशन मैनेजर है, स्टेटस बार है, ठीक है। देन टूल्स है, यहाँ पे टूल्स पे यहाँ पे आपको सॉलिड वर्क एक्सप्लोरर दे रखा है, ड्राइव एक्सप्रेस दे रखा है, डिजाइनर चेक दे रखा है, ठीक है। सो देर आर वेरियस टूल्स, ठीक है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ हेल्प, ठीक है, सॉलिड वर्क में यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है। सो यू कैन हेल्प टेक हेल्प फ्रॉम सॉलिड वर्क, ठीक है, ऑनलाइन आप ले सकते हो, या यू कैन यूज़ द सॉलिड वर्क यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप सॉलिड वर्क का यूट्यूब चैनल दे सकते हो, या यूट्यूब में जाके सॉलिड वर्क के बारे में देख सकते हो, ठीक है, क्या क्या न्यू आया है, ठीक है। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस साइट, या सॉलिड वर्क की साइट पे जा सकते हो आप, ठीक है। देन एक वेबसाइट है 3DS, ठीक है, 3DS करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको वेरियस पैकेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, वेरियस यूजर सॉलिड वर्क मिल जाएंगे, या सॉफ्टवेयर के यूजर्स मिल जाएगा। देन 3D प्रिंटर में, अगर 3D प्रिंटर यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि 3D प्रिंटर कैसे वर्क करेगा, ठीक है। सो दिस आर द यूज ऑफ योर हेल्प, ठीक है। यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो, इन केस यू हैव द परचेज्ड वर्जन, ठीक है। इन कॉलेज वी हैव द परचेज्ड वर्जन, स्टूडेंट वर्जन हमारे पास परचेज्ड है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी यूज द 2010, ठीक है। इन केस यू हैव टू यूज द अनदर वर्जन, यू कैन यूज, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन उसके बाद ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, देन अंडू का ऑप्शन है, सिलेक्ट, रिफ्रेश या रीबिल्ड, देन यू हैव द ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस में यहाँ पे आपके पास एड इन ऑप्शन है। देन ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर वेरियस सॉलिड वर्क रिसोर्सेज, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है, इंस्ट्रक्टर, सर करिकुलर, ट्यूटोरियल, ठीक है, फाइल्स वगैरह है, ठीक है, कम्युनिटी है ज्वाइन करने के लिए, देन ऑनलाइन रिसोर्स है, ठीक है, इन केस यू वांट एनी मॉडल, ठीक है, तो यू कैन सर्च फ्रॉम दिस, ठीक है। देन टिप्स ऑफ द डे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टिप क्या है डे की, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू ड्रैग अ पार्ट इन टू द फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री ऑफ एन असेंबली, द ओरिजिन ऑफ द पार्ट इज मेड कोइंसिडेंट विद द असेंबली ओरिजिन एंड द प्लेन ऑफ द पार्ट आर अलाइंड विद द असेंबली प्लेन, ठीक है। इनकेस यू वॉन्ट द नेक्स्ट टिप, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट टिप, तो यहाँ पे नेक्स्ट टिप आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड वर्क एजुकेशन एडिशन, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल यूज़ ओनली, ठीक है, सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए यूज़ है, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए नहीं है ये, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट।
द न्यू फाइल, ठीक है। सो यू हैव टू गो टू द फाइल मीनू, ठीक है। यहाँ पे फाइल मीनू है, फाइल मीनू पे जाओ। अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन ऑफ आइकन ऑफ योर न्यू, ठीक है, न्यू ऑप्शन है। कंट्रोल एन से आप ओपन कर सकते हो या कंट्रोल ओ से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एन से फॉर न्यू फाइल, कंट्रोल ओ से फॉर ओपन एनी फाइल, ठीक है। सो दीज आर द फाइल्स, सो वी हैव टू ओपन द न्यू फाइल, ठीक है। सिंपली क्लिक ऑन न्यू। सो यहाँ पे फिर से मेरे को कुछ पूछ रहा है वो, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है, इसमें बता रहा है ये आपने कौन सी न्यू फाइल ओपन करनी है, ठीक है। आपने एक पार्ट बनाना है, देन यू वांट टू क्रिएट द असेंबली, ठीक है। तो इन केस यू वांट टू क्रिएट द असेंबली, यू हैव टू चूज द असेंबली, ठीक है। देन यू हैव द ड्राइंग ऑप्शन, ठीक है। सो सिमिलर केस है ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो इसमें ड्राइंग है लिखा हुआ है, ठीक है। सो इन केस यू क्रिएट द 3D ड्राइंग या 2D ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है, या असेंबली बनाई हुई है, देन यू हैव टू क्रिएट इट इट्स ऑर्थोग्राफिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू। देन उसके लिए क्या है, आपको ड्राइंग क्रिएट करनी पड़ेगी इन सॉलिड वर्क्स, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ योर सॉलिड वर्क। प्रीवियसली ऑटोकैड हम यूज़ कर रहे थे, तो ऑटोकैड में ये ऑप्शन नहीं आती है, असेंबली नहीं आती, ड्राफ्टिंग का ऑप्शन आता है वैसे, ठीक है। तो देन एडवांस का ऑप्शन है, एडवांस में ऑप्शन प्रीव्यू वगैरह दे रखा है, ट्यूटोरियल दे रखा है, ठीक है। वॉइस में सिंपल आपको शो कर देगा, ठीक है। सो वी हैव टू ओपन द पार्ट, ठीक है। सो वी हैव टू इनिशियली वी हैव टू मेक द पार्ट। सो सबसे पहले मैंने एक पार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। देन उसके बाद उसकी असेंबली करनी है, देन उसके बाद उसकी ड्राइंग या ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपने जब देना है तो आपने ड्राइंग पे भेजना है। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट। तो हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज पार्ट, देन ओके, चलो। सो यहाँ पे पार्ट पे आपके पास और भी ऑप्शन आ गए, ठीक है। यू हैव वेरियस ऑप्शंस लाइक फीचर कमांड, ठीक है। यहाँ पे फीचर कमांड है, ठीक है। दैट्स कॉल योर सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो फीचर कमांड है। देन स्केच है, इन केस यू वांट टू ड्रॉ द ड्राइंग इन 2D, सो यू हैव टू यूज द स्केच टूल्स, ठीक है। देन मॉल टूल्स है, इवेल्यूएट है, डेम एक्सपर्ट है, ठीक है। देन ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। देन वेरियस टूल वर्स हैं, सो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है यू कैन चेक इट, ठीक है। सो आई हैव टू बेसिकली ऑन द स्केच, ठीक है। मेरे को सबसे पहले स्केच ही देखना है कि स्केच क्या, ठीक है। स्केच, यू हैव द स्केच ऑप्शन, इंसर्ट और एग्जिट, ठीक है। देन यू हैव द डायमेंशन ऑप्शन, स्मार्ट डायमेंशन, ठीक है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ लाइन, रेक्टेंगल, ठीक है, स्ट्रेट स्लॉट, पॉलीगॉन, ठीक है, 3D पॉइंट आर्ट, ठीक है। देन सर्कल है, स्प्लाइन है, ठीक है, लिप्स है, देन फिलेट है, पॉइंट है, ठीक है, टेक्स्ट है, प्लेन है, ट्रिम, कन्वर्ट, इंटरसेक्शन कर्व, देन ऑफसेट है, मिरर है, एंटिटीज, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस स्केच टूल वर्स, ठीक है, दैट विल बी डेट वी विल बी यूज, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको पार्ट शो कर रखा है कि कौन सा पार्ट है। इन केस यू वांट टू सेव द फाइल, यू कैन सेव इट बाय यूजिंग द फाइल मेनू, ठीक है। यू कैन सी कि आपके पास
और ऑप्शन आ गए, ठीक है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ न्यू फाइल, न्यू फाइल ओपन करनी है तो आपके पास ऑप्शन है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ ओपन द फाइल, क्लोज द फाइल, ठीक है। मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, ठीक है, पार्ट से ड्राइंग बनाना चाहते हो जो हम करेंटली बना रहे हैं। मेक असेंबली फ्रॉम द पार्ट, ठीक है, असेंबली से पार्ट से असेंबली बनाना चाहते हो। पब्लिश ई ड्राइंग बनाना चाहते हो, ठीक है, सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेव कर सकते हो, तो मैं सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। फाइंड रेफरेंसेस, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रिंट 3D, ठीक है, ये 3D प्रिंटर में यूज होगा। पैक एंड गो सेंड टू प्रॉपर्टीज, ठीक है, सो देर आर द देर इज फाइल दैट्स आर ओपन इन योर सॉलिड वर्क, देन कस्टमाइज मेनू कर सकते हो। सो फर्स्टली आई हैव टू सेव द फाइल, ठीक है, मेरे को फाइल को सेव करना है, सो मैंने यहाँ पे सेव प्रेस किया। नाउ कहाँ पे सेव करना चाहते हो, इन द डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप में मैं सेव करना चाहता हूँ पार्ट फाइल। सो जितना भी है, जो भी आपने नाम लिखना चाहते हो लिख दो, ABC या ME4SAM, ठीक है, ME4SAM, ठीक है, तो मैंने ME4SAM लिख दिया। तो देन यू हैव टू सेलेक्ट द विच टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू सेव, ठीक है। तो बेसिकली पार्ट फाइल है .prt या .sldprt, ठीक है, ये आपकी फाइल नेम है, एक्सटेंशन फाइल नेम है आपकी सॉलिड वर्क की, ठीक है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ अनदर फाइल नेम ऑल्सो, पैरा सॉलिड है, देन IGS फाइल है, स्टेप फाइल है, स्काई फाइल है, ठीक है, ई ड्राइंग है, VDS, XML है, ठीक है, JPG है, ठीक है, DXF, DWG डेट आर यूज इन योर AutoCAD, ठीक है, फोटोशॉप वाली फाइल है, सो यू कैन सेव एनी ऑफ द फाइल अबव, ठीक है। सो आई एम यूजिंग द पार्ट फाइल। इन केस यू वांट टू ऐड द डिस्क्रिप्शन यू कैन ऐड, ठीक है, देन सेव अ कॉपी, एक और सेव करना चाहते हो कॉपी की तो आप सेव कर सकते हो, कोई लिंक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, इन केस यू वांट टू गिव द रेफरेंस यू कैन गिव द रेफरेंस, ठीक है। तो मैंने सेव कर लिया यहाँ पे, सो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका कि कौन सी फाइल है, ठीक है, यू कैन इजीली सी कि फाइल नेम आ गया, देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड टॉप साइड में आपको क्या है, एक ट्री शो करेगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड योर फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री, इन विच यू कैन सी द हिस्ट्री, ठीक है, यह है, यू कैन सी द सेंसर, एनोटेशन, मटीरियल कोई प्रोवाइड करना है ऑब्जेक्ट को वो देख सकते हो। देन देज आर द 3 ऑर्थोग्राफिक व्यूज यू कैन सी, ठीक है, फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, देन राइट प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेन्स में ये लिखा होता है, देन ओरिजिन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन द बॉटम साइड यू कैन सी द मॉडल एंड मोशन, ठीक है, और राइट एंड लेफ्ट अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड वो सेम चीज़ें वहाँ पे, सॉलिड वर्क रिसोर्सेज, कम्युनिटी, ऑन राइट रिसोर्सेज, ठीक है। ऑन द टॉप साइड, ठीक है, टूल बार के नीचे, ठीक है, टूल बार के नीचे आपको शो करेगा अनदर टूल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर जूम,
ठीक है, जूम करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को, देन यू हैव द जूम एरिया ऑप्शन, देन यू हैव द प्रीवियस व्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको सेक्शनल व्यू दे रखा है, कट सेक्शन अगर आपको किसी 3D ऑब्जेक्ट का शो करना है, यू कैन शो इट, ठीक है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ व्यू ओरिएंटेशन, किस में व्यू देखना चाहते हो, यू हैव द ऑप्शन ऑफ प्लेन्स, ठीक है, तो सिंगल व्यू, टू व्यूज, टू व्यूज वर्टिकल, फ्रंट व्यू, ठीक है, नॉर्मल व्यू, देन नॉर्मल को मैंने साइड में रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने जो भी ड्राइंग बनानी है, फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द नॉर्मल, ठीक है, 2D आपने सेलेक्ट करना है फॉर नॉर्मल। देन यू हैव टू सेलेक्ट द डिस्प्ले स्टाइल, ठीक है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ कंसेप्चुअल मोड, ठीक है, शेडेड विद एजेस, शेडेड, हिडन लाइंस, ठीक है, देन हिडन लाइन विजिबल, देन वायर फ्रेम मॉडल, ठीक है। तो जो भी आपने डिस्प्ले सेलेक्ट करना है, यू कैन सेलेक्ट। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ हाइड एंड शो द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स या वेरियस पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपने हाइड एंड शो करना चाहते हो, तो यू कैन हाइड और शो फ्रॉम दिस, ठीक है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ एडिट अपीयरेंस, ठीक है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ अप्लाई स्क्रीन, ठीक है, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ व्यू सेटिंग, ठीक है, कि व्यू कैसा शो करना चाहिए, पर्सपेक्टिव व्यू या शेडो, ठीक है, शेडो अगर आपने शो करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट वन, ये जो आपको शो कर रखा है, ठीक है, दिस इज द मटीरियल अपीयरेंस, ठीक है, तो इन केस यू वांट टू ऐड द मटीरियल, ठीक है, गोल्ड है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसे आप गोल्ड मटेरियल देना चाहते हो, तो यू कैन ऐड। तो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस, ठीक है। नाउ इन केस यू वांट टू चेंज द स्टाइल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या स्टाइल ऑफ द यूनिट्स ऑफ द सॉलिड वर्क, सो यू हैव द ऑप्शन, यहाँ पे आपको पास ऑप्शन शो कर देगा, ठीक है, ऑप्शन चेंज, चेंजेस ऑप्शन सेटिंग फॉर सॉलिड वर्क, ठीक है। तो इन केस यू वांट टू चेंज द सेटिंग्स, तो गो टू ऑप्शन, ठीक है, पहले भी ओपन कर सकते हो, बाद में भी ओपन कर सकते हो। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ, फर्स्ट वन इज द सिस्टम ऑप्शंस, ठीक है, सिस्टम ऑप्शन है यहाँ पे, सिस्टम ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो। यू हैव द जनरल ऑप्शन, जनरल ऑप्शन में इनपुट डायमेंशन वैल्यू दे रखा है या सिंगल कमांड है, ठीक है, देज आर द वेरियस ऑप्शन। देन ड्राइंग है, ये ड्राइंग कैसे आपको शो करनी चाहिए, डिस्प्ले है, डिस्प्ले कैसा शो करना है, ठीक है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ वायर फ्रेम, शेडेड, ठीक है, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, ठीक है, और डिस्प्ले क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, यू कैन चेंज इट फ्रॉम दिस, ठीक है। देन एरिया लिखा हुआ है, एरिया हैच करना है या फिल करना है, वो कैसा शो करेगा, ठीक है, सॉलिड में आपका पूरा सॉलिड शो करेगा, कलर फुल हो जाएगा, हैचिंग में हैच करेगा, नॉर्मल में नॉन कर देगा, ठीक है, यहाँ से आप हैचिंग ट्रेड भी कर सकते हो, स्केल चेंज कर सकते हो, डिग्री चेंज कर सकते हो, कलर्स, ठीक है, कलर्स कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, इन केस यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, सो आई कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे ओके करके देखते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है, तो बेटर लग रहा है, चलो, सो ऑप्शन था, ठीक है। इन केस यू वांट टू रीसेट ऑल,
सो यू कैन रीसेट ऑल, ठीक है, रीसेट ऑल करो, देन ओके कर दो, ठीक है, तो दोबारा से वही सेटिंग आ जाएगी, ठीक है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मैंने चेंजेस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ डिस्प्ले, स्केच का ऑप्शन है, रिलेशनशिप है, ठीक है, ये पैरेलल होने चाहिए, ऑब्जेक्ट टेंजेंट होना चाहिए, वो शो करेगा कि नहीं करेगा, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्प्ले सिलेक्शन, देन परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस चाहिए आपको, देन असेंबलीज में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, यू कैन चेंज एक्सटर्नल रेफरेंसेस, यू कैन चेंज, ठीक है, टेम्पलेट्स है, फाइल लोकेशन है, ठीक है, कि कहाँ पे फाइल सेव होगी या टेम्पलेट कहाँ पे सेव होगी, ठीक है, फीचर मैनेजर, स्पिन बॉक्स, व्यू, बैकअप, रिकवरी, ठीक है, रिकवर करना चाहते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेव ऑटो रिकवर इन्फो एवरी 10 मिनट, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या है 10 मिनट में सेव हो जाएगी आपकी ड्राइंग, ठीक है, ऑटोकैड में ये होता नहीं था, ठीक है, तो न्यूर वर्जन में हो जाएगा कभी कभी हो, टच, ठीक है, देन होल विजार्ड है, ठीक है, देन फाइल एक्सप्लोरर है, सर्च ऑप्शन है, कोलैबोरेशन है, ठीक है, देन एडवांस है, एडवांस में भी कुछ, देन यू हैव द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो मेन आपका ये आता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, वो था आपका सिस्टम की ऑप्शन, इन केस यू वांट टू चेंज द सिस्टम ऑप्शन यू कैन चेंज। नाउ वी हैव द ऑप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, सो इन केस यू वांट टू चेंज द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ ओवरऑल ड्राफ्टिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड आपको कैसा चाहिए, ISO, ANSI, DIN, GIS, ठीक, तो जैसा भी चाहिए यू कैन डिफाइन, ठीक है, या लोड फ्रॉम एक्सटर्नल, ठीक है, कहीं से बाहर से लेकर आना चाहते हो तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ एनोटेशन, एनोटेशन का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, एनोटेशन मीन्स डायमेंशन आप डिफाइन करना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो कैसे विजुलाइज होगी, ठीक है, बैलून है, ठीक है, बैलून में क्या है, जो हमने असेंबली की थी, असेंबली में पार्ट्स ड्रॉ किए थे हमने, ठीक है, असेंबली में डिफरेंट पार्ट्स थे, अभी अभी किया, तो उसमें नंबरिंग शो कर रहा था, ठीक है, तो उस नंबरिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो इसमें एनोटेशन में बैलून में शो करेंगे, ठीक है, तो बैलून का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, या नंबर में शो करना है, या अल्फाबेटिंग में शो करना है, यू कैन चेंज इट फ्रॉम दिस, डेटम, ठीक है, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, नोट्स, इन केस यू वांट टू क्रिएट द नोट यू कैन क्रिएट, सरफेस फिनिश, वेल्ड सिंबल, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन आपको कैसे शो करना है, यू वांट टू चेंज द कलर, यू वांट टू चेंज द फॉन्ट, यू कैन चेंज, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखा है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ वर्चुअल शार्प, ठीक है, वर्चुअल शार्प का ऑप्शन है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है, देन डिटेलिंग है, डिटेलिंग का ऑप्शन दे रखा है, देन ग्रिड को ऑन है, ऑन या ऑफ करना है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इन केस अगर बाहर से नहीं हो रहा तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कितना ग्रेड का साइज होना चाहिए यू कैन ऐड इन। देन यूनिट्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सो इन एवरी न्यू ड्राइंग यू हैव टू चेक योर यूनिट्स, ठीक है, सो बाकी चीज़ें नहीं भी करोगे दैट्स ओके, बट जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है या और भी कोई इंजीनियर है, यू हैव टू चेक द यूनिट्स बिफोर ड्राइंग द ड्राइंग, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग अगर आपने ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले क्या है, यूनिट्स चेक कर लो,
वी वांट द एमएम जीएस मिलीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, ठीक। एम के एस यूनिट आ जाएगी मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। सीजीएस आ जाएगी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमएमजीएस अभी पढ़ा था। आईपीएस आ जाएगी इंच पाउंड सेकंड, और यू कैन ऐड द कस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप कस्टम भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, इन केस यू वांट अनदर डायमेंशन या किलोग्राम या ग्राम में, ठीक है, या मीटर में आप डिफाइन करना चाहते हो, सो यू कैन डिफाइन। देन ऑप्शन है लेंथ है, ठीक है, लेंथ में कितने डेसिमल प्लेस तक प्रिसिशन वैल्यू चाहिए, यू कैन डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ड्यूल डायमेंशन लेंथ है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। इंचेस है मेरे को चाहिए, मिलीमीटर चाहिए और इंचेस चाहिए, बहुत चाहिए मेरे, ठीक है। सो आई कैन डिफाइन, यू कैन डिफाइन द डेसिमल, कितने डेसिमल प्लेस तक वैल्यू चाहिए, ठीक है, प्रिसिशन की कितनी वैल्यू चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने कराया था कि प्रिसिशन क्या होता है, एंगल की वैल्यू, मास, मास प्रॉपर्टीज आ जाएगी, ठीक है। नाउ यू आर यूजिंग द 3D सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मास प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी, ठीक है। देन मोशन यूनिट्स भी दे रखी है, ठीक है। मोशन यूनिट्स में टाइम, फोर्स, पावर, एनर्जी, ठीक है, इन सब की यूनिट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सेव है कि फोर्स की क्या यूनिट होती है न्यूटन, पावर की वाट, एनर्जी की जूल, ठीक है, मास की ग्राम में आएगी, ठीक है। कोई और मोर ऑप्शन है यू कैन ऐड, ठीक है, राउंड ऑफ करना है, यू कैन ऐड। देन दिस इज द ऑप्शन ऑफ कलर, ठीक है। सो कलर में आपको शो कर रखा है कि वायर फ्रेम है, ठीक है, वायर फ्रेम है, तो वायर फ्रेम को कैसा कलर देना चाहते हो। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ शेडिंग, ठीक है, शेडिंग का ऑप्शन है, देन हिडन का ऑप्शन है, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शन फॉर कलरिंग, ठीक है। अरे बैक सूट है, उसका कलर कैसा आपको डिफाइन करना चाहते हो। देन मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, जो भी आपने मटेरियल डिफाइन कर रखा है उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करनी है, उसको कैसे शो करना है, ठीक है, वो आ जाएगा। इमेज की क्वालिटी आपको कैसे चाहिए, ठीक है, हाइयर चाहिए, लोअर चाहिए, अभी फ़िलहाल मिड पे है, ठीक है, डेविएशन कितनी चाहिए। देन वायर फ्रेम, देन प्लेन डिस्प्ले कितना है, ठीक है। सो दिस इज द डिम एक्सपर्ट, डायमेंशन एक्सपर्ट, ठीक है, साइड डायमेंशन कितनी चाहिए, लोकेशन डायमेंशन कितनी चाहिए, चेन डायमेंशन, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, चैम्फर कंट्रोल, ठीक है, डिस्प्ले ऑप्शन। सो यू हैव द ऑप्शन टू चेंज एनी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ इफ इट इज़ ओके, देन ओके करना है, सबसे पहले आपने यूनिट्स चेक कर लेने, ठीक है, यूनिट्स चेक करके देन ओके, ठीक है, MMGSC में, देन ओके। नाउ मेरा सॉलिड वर्क तैयार है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ एनी फिगर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ गैस्चर ओके, सी ऑन ओके, ठीक है, पॉइंट डिफाइन है। अब व्हाट इज दिस, ठीक है, ऑन द बॉटम एंड साइड, ठीक है, बॉटम लेफ्ट में आपको एरो शो कर रखे हैं, ठीक है, तो एरो क्या शो करते हैं, तो दिस इज द एक्सिस, ठीक है, दिस इज द 3D एक्सिस इन विच यू कैन सी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। So this is a 3D body. So in case you want to rotate the object, so अगर मैंने कोई object बनाया उसे rotate करना चाहता हूँ, so I can simply press the scroll button. ठीक है, मैंने scroll button click कर दिया,
So you can simply press and move your mouse. ठीक है, इनके zoom करना है, zoom out करना है, you have the option of scroll button up and down. ठीक है, then in case you want to create the object, ठीक है, draw करना चाहते हो तो right click, left click करना है. ठीक है, on the right click you have the option. ठीक है, you have the various options you can add. ठीक है, now firstly we have to draw one object. कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं. सो फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द प्लेन. ठीक है, हमारे पास तीन प्लेन्स दे रखे हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, देन राइट प्लेन. सो आई सिंपली सेलेक्ट द फ्रंट प्लेन. ठीक है, फ्रंट प्लेन मैंने सेलेक्ट किया. यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्केच, स्केच पे प्रेस करो एंड प्रेस नॉर्मल. ठीक है, मैंने नॉर्मल पे प्रेस कर दिया. नाउ यू कैन सी ओनली द एक्स वाई प्लेन, 2D प्लेन. ठीक है, यू कैन सिंपली सी द फ्रंट प्लेन. ठीक है, सो इन केस यू हैव द ऑप्शन ऑफ नॉर्मल टू. नॉर्मल टू अगर मैंने एक और बार प्रेस किया सो यू कैन सी द बॉटम फ्रंट का बैक व्यू. सो नाउ यू कैन सी द फ्रंट प्लेन. नाउ यू हैव टू ड्रॉ एनी ड्राइंग. ठीक है, कोई भी ड्राइंग है आप विद हेल्प ऑफ यूजिंग द कमांड्स यू कैन यूज. ठीक है, नाउ आई हैव द ऑप्शन ऑफ लाइन. ठीक है, लाइन में वेरियस ऑप्शन है. लाइन है, सेंटर लाइन है, देन रेक्टेंगल है, स्लॉट्स है. सो फर्स्टली वी हैव टू यूज द लाइन. हम सबसे पहले लाइन यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो मैंने लाइन को सेलेक्ट किया बाय यूजिंग द लेफ्ट क्लिक ऑफ योर माउस. ठीक है, देन देयर आर द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट लाइन एज ए स्केच, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या एंगल पे डिफाइन करना चाहते हो तो आप डिफाइन कर सकते हो. यू हैव अदर अनदर ऑप्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन या इन्फिनिटी लाइन. ठीक है, सो सपोज आई वॉन्ट टू ड्रॉ एनी सिंपल लाइन. ठीक है, तो सिंपल लाइन है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट मैंने ओरिजिन सेलेक्ट कर दिया. ठीक है, देन मेरे को वो डिफाइन कर रहा है कि एंगल कितना है और लेंथ कितनी है आपकी ड्राइंग की. ठीक है, सो इन केस ऑफ वर्टिकल लेंथ, ठीक है, वहाँ पे मेरे को बता रहा है लेंथ है 51.45 एंड द 90 degree. ठीक है, और वो सिंबल भी मेरे को शो करा गया है कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन. ठीक है, इन केस ऑफ योर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में आपको ऐसा शो करेगा. ठीक है, 0 degree आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, 0 degree, 90, देन 270. ठीक है, सो आई हैव टू ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन. हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं, देन कंटिन्यूस लाइन है, वन अनदर लाइन, देन इन केस यू वांट टू एस्केप. ठीक है, सो इट इज़ अ कंटिन्यूस लाइन, सो आई कैन एस्केप. ठीक है, मैं बाहर आना चाहता हूँ, सो आई कैन सेलेक्ट एस्केप. नाउ इन दिस केस, ठीक है, जूम करना है या मूव करना है ऑब्जेक्ट. ठीक है, सपोज आई वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट, तो मेरे को मूव करना है तो मैंने प्रेस करना है कंट्रोल. ठीक है, और स्क्रॉल बटन एट अ टाइम, देन यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेट्स कॉल यर एन. ठीक है, अगर मैं सिंपली माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करूँगा तो वो रोटेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, नॉर्मल प्रेस करो, देन यू हैव टू ऐड द डायमेंशन टू द लाइन. ठीक है, पहले भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, बाद में भी ऐड कर सकते हो, बट
साथ साथ कर लेना, ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स लाइन ज्योमेट्री बना ली देन उसके बाद आपने फिगर ड्रॉ की, ठीक है। सो यू हैव टू गो टू द स्मार्ट डायमेंशन, जो ब्लैक ऑप्शन है दैट मीन्स इट इज़ फुली डिफाइंड, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फुली डिफाइंड है, ब्लू है तो ब्लू वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, विद हेल्प ऑफ योर डिफाइनिंग द डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, और डायमेंशन से, ठीक है। सो आई एम डिफाइनिंग द लाइन लेंथ, ठीक है। सो द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द डायमेंशन स्टाइल, ठीक है। सो आई विल चेंज द डायमेंशन, 52 बता रहा है, सो आई विल चेंज टू इनटू 50, देन ओके। देन अभी देखो आपकी ना जो लाइन है वो ब्लैक हो गई, ठीक है। देन उसके बाद वर्टिकल लाइन को डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। देन 40, ठीक है, ओके। नाउ जो आपकी लाइन है वो बन गई है, ठीक है। नाउ इट इज़ फुली डिफाइंड। इफ़ यू वांट टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन चेंज इट बाय डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक पे प्रेस करो, देन आई वांट टू चेंज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो आई कैन चेंज द वैल्यू 60, ओके, ठीक है। एज इट इज़ यू कैन ऐड द सर्कल, सर्कल पिक करो, देन प्रेस ओके। देन बताओ उसे कि फिक्स करना है या कोई एंगल देना चाहते हो, यू कैन गिव स्मार्ट डायमेंशन, ठीक है, 30, ओके। देन यू कैन यूज द फिलेट कमांड, ठीक है। सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ ट्रिम, ठीक है, आपके पास ट्रिम का ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंड का ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हो, फिलेट, ठीक है। फिलेट में पावर ट्रिम है, कॉर्नर ट्रिम है, ठीक है। सो आई एम यूजिंग द पावर ट्रिम, देन ट्रिम इट, ठीक है। नाउ आई हैव द ऑप्शन ऑफ दिस वन ऑल्सो, ठीक है, सो आई कैन ट्रिम दिस वन, ठीक है। नाउ यू कैन ईजीली सी कि जो आपकी लाइन की डायमेंशन थी, ठीक है, वो रिमूव हो गई, बिकॉज जो भी मैंने डिफाइन किया था वो क्या है, ट्रिम ऑल, ठीक है। तो आपको फिर से वो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो विद हेल्प ऑफ डायमेंशन कमांड यू कैन डिफाइन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, 50 है, ओके, दिस वन, हेलो सर, हाँ बोलो सर, सर्कल कैसे कट किया नेटवर्क से? क्या सर, सर्कल कट कैसे किया, बीच में नेट रुक गया था? ट्रिम कमांड को यूज करके, ठीक है सर। तो आगे पढ़ेंगे हम, अभी तो बेसिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे ड्राइंग बनाते रहेंगे वैसे क्लियर होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ योर लाइन कमांड, सर्कल कमांड, देन उसके बाद मैंने ट्रिम किया, ठीक है। तो ट्रिम में क्या है, यू हैव टू सेलेक्ट द आउटर पोर्शन और इनर पोर्शन इन विच यू वांट टू ट्रिम, ठीक है। जो भी आपको ऑब्जेक्ट ट्रिम करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करना है, देन विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है, माउस का कर्सर वहाँ पे ले जाना है और लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, ठीक है, तो वो ट्रिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिक आपने देखना है कि आपकी जो ड्राइंग है वो फुली डिफाइंड हो, मतलब कि ब्लैक हो, ठीक है, दैट्स मीन फुली डिफाइंड। सो इन केस यू वांट टू ऐड एनी ऑब्जेक्ट यू कैन ऐड, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन योर डायमेंट ड्राइंग, प्रीवियस ड्राइंग, ठीक है। इन केस मैंने कोई और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, उसका डायमेंशन चेंज किए, तो आपकी जो प्रीवियस ड्राइंग है, ठीक है, जो बन चुकी है उसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है।
So that's why you have to convert it into fully defined. ठीक है. Now with the help of I am stopping this one. So